I've fallen in love with I Love. I love you. El bole, wow. घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तुझे कुछ कहने का फायदा है ही नहीं। पर बेटा, तुझे पाल पोस कर बड़ा करके एक बात तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। कौन सी बात पापा? अपने बेटे को पालने से अच्छा है किसी कुत्ते को पाल लो। अजय मूर्ख, कैसी बात कर रहा है? तू चुप रह, इसके बारे में मैं कोई गलत बात करता ही नहीं। पैदा होने से लेकर आज तक अगर इसने मुझे कुछ दिया है तो वो है सिर्फ स्ट्रेस, समझा? और इसे देखो, ये है मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर। अगर ये ना होता तो पता नहीं अब तक मैं इसकी वजह से कितनी बार मर चुका होता। पापा, आप हमेशा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? आप पर सूट नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कुत्ता आपको क्यों पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है? वो इसलिए क्योंकि आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और मैं बेटा हूँ इसीलिए आप सोच रहे हैं कि मैं ढंग की पढ़ाई करता, अपने पैरों पर खड़ा होता, खानदान का नाम रोशन करता, है कि नहीं पापा? तभी आप अपने बेटे से खुश होते ना। इसकी तरह मुझे भी समझ लीजिए और कोई उम्मीद मत रखिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ। इसकी तरह लाड़ी करेंगे तो भी मुझे चलेगा, क्यों अंकल? वाह, क्या तारीफ की है खुद की। अगर इतना दिमाग तो जिंदगी में कुछ करने में लगा लेता तो आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। नालायक कहीं का, दिन रात दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, बेशर्म कहीं का। इतना गया गुजरा बेटा नहीं है तेरा, तू खमखा चिल्ला रहा है। ये बता, तू इसका साथ क्यों दे रहा है? साथ तो दूंगा ही, ये मेरा भी तो कुछ लगता है कि नहीं। एक अच्छी लड़की देख के शादी करवा देते हैं, इसकी अपने आप लाइन पे आ जाएगा। सलाह तो तूने पते की दी है, लेकिन इस गधे की हरकतों का पता नहीं क्या तुझे? कौन बाप इसे अपनी बेटी देगा? तू रहने दे, मेरा एक पुराना दोस्त है सोमेश, वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है। लड़की बड़ी सुशील है, हो सकता है कि इस गधे को लड़की पसंद कर ले। अंकल, आपने कभी बताया नहीं ये पंडित गिरी साइड बिजनेस है क्या? हर वक्त मजाक करता है। मुंह बंद कर, वो सही कह रहा है, हम वो लड़की देखने जरूर जाएंगे। अगर तुझे अकेले जाने में डर लग रहा है तो एक काम कर, अपने यार दोस्तों को भी साथ ले आना, लेकिन जाने से पहले अपना थोबड़ा चमका लेना। अब जा, खड़ा क्या जा। ऊपर वाले, ये रिश्ता पक्का करवा दे, 1.25 किलो जलेबी बांटूंगा। कब ये लड़की बाहर आएगी और कब मैं ये मिठाइयां खाऊंगा। गीता तैयार हो रही है बेटा, बस 10 मिनट आती होगी। कोई बात नहीं अंकल, तब तक की मिठाई टेस्ट करें। अरे अरे, पूछ क्यों रहे हो, ये तुम्हारे लिए तो है। थैंक्स अंकल जी। अरे जानवर हैं, खाना देखते कुत्ते की तरह झपटते हैं।